गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2 अपनी फिनिश हो गई थी, तो हम आज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो ये ट्रू फॉल्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का, इसमें आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज का जो चार्ट बनवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसके थ्रू ये आपके ट्रू फॉल्स होंगे, तो ये आपको सेल्फ करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन पर मैं आती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना, तो टू इंटीजर्स यहाँ पर हैं बट इनके जो साइन है वो अपोजिट हैं। एक जो है वो पॉजिटिव है और सेकेंड वन इज नेगेटिव। तो जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो जो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो कंडीशन क्या होती है, द इंटीजर हैव अपोजिट साइन सो दैट द प्रोडक्ट विल हैव नेगेटिव साइन। मीन्स अगर दो इंटीजर्स हैं और उनके अपोजिट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट हो गया सेकेंड का। अब यहाँ पर सेकेंड जो बी है, बी में क्या दिया हुआ है आपका, बी में गिवन है आपका -30 एंड सॉरी 320 और यहाँ पर है 50। अब यहाँ पर क्या है, जो सिमिलर साइंस है, तो सिमिलर साइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइन सेम है और जब सेम साइन होते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव का आता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। इसी तरह से मैं थर्ड बताती हूँ। थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड जो है वो आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी फॉलो टू प्रूव। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी मल्टीप्लिकेशन की, वो आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, दो इंटीजर्स हैं, बस उनका क्या हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर चेंज मीन्स उनका प्लेस चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव 15 पहले दिया हुआ था और यहाँ पर -15 पहले दिया हुआ है। मीन्स क्या हो गया, यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया। और ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। मीन्स जो दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पर +15 -15 और -15 +15, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, जब प्लेस चेंज होता है, ऑर्डर चेंज हो रहा है बट उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम बी वाला बताएंगे। बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ग्रुपिंग चेंज हो रही है। डिजिट्स तो आपके सेम है बट जो ग्रुपिंग है वो चेंज हो रही है। तो ग्रुपिंग चेंज होने का मतलब क्या है, जब ग्रुपिंग किस में चेंज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होती है, एसोसिएटिव में। और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये क्या है फिर, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बताया हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिव रीजन वाई। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ -5 मल्टीप्लाई -6 6 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 8। तो आपको इसमें बताना है कि जो ये इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव है, तो उसका रीज़न बताना है कि क्यों पॉजिटिव आया। तो वो रीज़न समझिए, यहाँ पर जो है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से आपको चेक करना है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ये माइनस का 1 और ये 2, तो यहाँ पर नेगेटिव के इंटीजर्स कितने हुए, 2। और जब नेगेटिव के इंटीजर्स 2 मीन्स इवन, और जब इवन नंबर में इंटीजर्स हैं नेगेटिव के, तो जो भी जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, उसी तरह से जो प्रोडक्ट का साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस। अगर इंटीजर्स नेगेटिव वाले इंटीजर्स अगर इवन नंबर में हैं या फिर 2 4 लाइक दिस, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर अगर जैसे बी क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ 1 2 3, अब ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं अगर वो ऑड नंबर में आ रहे हैं मीन्स 1 2 3, तो जो इनका आंसर आएगा उनमें कौन सा साइन आएगा, माइनस का। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे इनका रीज़न। अब आता है 6 का ए। 6 के ए में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देन इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर यही आएगा, बट मैंने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया है, 25 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ
तो 100 आता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ ले आई हूँ। और 100 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करने पे बहुत ईजी होता है, तो मैंने इस तरह से किया है। आप चाहें तो इसको, ये सेकेंड है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। मीन्स पहले इसको करोगे 5, 4, 8 जा 32, ठीक है जी, 4, 5 जा 20 एंड 3 23। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मीन्स इनका फिर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इनका किया फिर इनका किया, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं 4 को ले आती हूँ तो 25, 4 जा 100 होता है, और 100 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो वो ईजीली हो जाता है कंपेयर टू दिस। सो हमको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है वो सेवेंथ बताऊंगी मैं क्वेश्चन। सेवेंथ में क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से पता चल रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। इसी तरह से 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक डिजिट का इस तरह से फॉर्म लिख लेना है। जैसे कि मैंने 9 को लिख लिया 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9 होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करना है हमको, जो 75 है, 75 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इसको 75 को जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स दोनों को डिवाइड किया है। तो 75 का -75 × 10, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, और माइनस माइनस प्लस 75 × 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जो बिगर डिजिट है उसमें साइन नेगेटिव है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसी तरह से जो एट्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -5। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है एट ए का, वो है आपका 100। अब 100 में आपको जो उसके टू इंटीजर्स का, पहले तो वो क्या है, प्रोडक्ट है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है क्या, 100। जैसे 100 जो है वो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक जो इंटीजर आपको गिवन है वो हमेशा क्या है, -5। अब -5 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो आंसर है वो 100 है। तो हम इसमें अगर -20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 100। तो हमारा जो इंटीजर हो गया वो क्या हो गया, सेकेंड इंटीजर -20। इसी तरह से ये बी में हमको लाना है जो आंसर लाना है वो -125 लाना है। इसमें जो आपका एक इंटीजर है वो है आपका -5, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा। अब हम 5 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं कि 125 आए, या तो आप डिवाइड करके देख लो 5 का, 5 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक सेकेंड इंटीजर होगा। अब 10th क्वेश्चन में जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें जो पार्ट्स पूछे गए हैं तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको ये बताऊंगी। राहुल गिव्स, एक कोई क्विज कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें तीन लोग थे, राहुल, गौरव और सुनीता। तो उसमें से क्या हो रहा है कि राहुल ने जो 10 करेक्ट आंसर दिए, अब एक जो करेक्ट आंसर का जो नंबर है, मतलब जैसे आपने एक आंसर दिया तो उसका जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 10 मिलेगा। तो 10 जो करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 10 का, अगर 1 का 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 × 10, तो हमारा 100 इसने स्कोर किया। बट अगर हम कोई एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसमें क्या होता है, 5 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो उसने कितने आंसर रॉन्ग दिए, 3 आंसर रॉन्ग दिए, और एक आंसर रॉन्ग होने पर 5 मार्क्स कटते हैं, तो 3 × 5 मीन्स उसके कितने लेस हुए हैं, 15। तो राहुल का जो स्कोर है, और अगर कोई भी आंसर नहीं देते हो तो 0 मिलता है, तो राहुल का जो स्कोर है वो कितना हो गया, उसने गेन किया था 100 और उसका माइनस हो गया 15, क्योंकि उसने 3 रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो उसका स्कोर कितना हो गया, 85। इसी तरह से गौरव ने 8 करेक्ट आंसर दिए हैं और एक करेक्ट आंसर का 10 मार्क्स है, तो 8 के कितने हो गए, 8 × 10 मीन्स 18। और 4 रॉन्ग आंसर दिए हैं, 4 मीन्स 4 रॉन्ग आंसर मीन्स 5 मार्क्स लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 × 5 मीन्स 20 मार्क्स उसके क्या हो गए,
लेस हो गए, और यहाँ पर जो गौरव का स्कोर हो गया वो 80 माइनस 20 60 60 इसका गौरव का स्कोर हो गया। इसी तरह से सुनीता ने जो है वो 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 12 × 10 120, और उसने जो है वो 2 रॉन्ग आंसर दिए हैं। 2 रॉन्ग आंसर पे मतलब 1/5 लेस हो गया, तो 2 पर कितना लेस हुआ, 1/5 हुआ, तो 2/5 + 5 = 10, या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। तो जो सुनीता का स्कोर है वो कितना हुआ, जो इसने गेन किया था और जो लेस हुआ है उसमें से माइनस कर दोगे, तो सुनीता का स्कोर हुआ ये। अब डी में आपको पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो आपको हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दिख रहा है कि सुनीता ने जो है वो 110 स्कोर किया है और बाकी ने सभी ने कम किया है, तो सुनीता स्कोर हाईएस्ट एंड गौरव लोएस्ट।